ఢిల్లీ లో ఎంఎంఎంపీ ఓవైసీ ఇంటిపై దుండగులు రాళ్లదాడి చేశారు. ఇంటి కిటికీ అద్దాలు ఏసీ ప్లాంట్ కొంతమేర ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఓవైసీ. గతంలోనూ తన ఇంటిపై దాడులు చేశారని, పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు ఆయన. మరోవైపు 5 రోజుల క్రితమే తనకు వచ్చిన ఎస్ఎంఎస్ బెదిరింపులను పోలీసులకు చూపించినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया. वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया. वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिखकर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकाले. मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है. मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए. मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है. मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया. वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया. वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिखकर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकाले. मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है. मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए. मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है. मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया. वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया. वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिखकर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकाले. मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा